हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पाठक और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ऑल इन टेक में। और दोस्तों, जैसे कि जानते हो होली आ रही है, तो इसलिए एडवांस में सबको हैप्पी होली। और जैसे जानते हो दोस्तों, शाओमी के 11 सीरीज लॉन्च होने वाली है, तो उसी के बारे में ये रिलेटेड वीडियो बनने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। जो भी नए व्यूअर्स होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ये लाइक बटन प्रेस करते हो ना तो हिम्मत और बढ़ जाती है क्योंकि नए वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। तो बात करते हैं एम आई 11 अल्ट्रा के बारे में। तो एम आई 11 अल्ट्रा नाम ही काफी अच्छा लग रहा है, एम आई 11 अल्ट्रा, कुछ अल्ट्रा ही चीज होने वाली है इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन एनोड बैटरी के साथ आने वाली है। जो बैटरी यूज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करते हैं बैटरी, वही बैटरी यूज होने वाली है एम आई 11 अल्ट्रा के अंदर। कौन कितनी एमएच की बैटरी होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, 500 एमएच की बैटरी होने वाली है, जो चार्ज होगा 67 वोल्ट के साथ वायर चार्जिंग के बाद। बता रहा हूँ वायरलेस सुनोगे तो वायरलेस भी सपोर्ट करता है 67 वोल्ट, और साथ ही में 10 वोल्ट का रिवर्स चार्जिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले ये आने वाला है 6.8 कर्व्ड ओएलईडी डिस्प्ले के साथ, और इसके रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने वाली है। अब ये बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रोसेसर, तो इसका प्रोसेसर आने वाला है ट्रिपल एट स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन लेटेस्ट प्रोसेसर है 888, उसके साथ आने वाला है। और प्लस IP68 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट। दोस्तों सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फीचर्स मुझे तो यही अच्छा लगा क्योंकि IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो अभी रूमर्स निकले हुए हैं दोस्तों, कंफर्म नहीं पता है मुझे भी, क्योंकि मैं रूमर्स में ही बता रहा हूँ आपको भी। जो इसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है अल्ट्रा का, वो 50 मेगापिक्सल कैमरा होने वाला है और 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा होने वाला है। और एक कैमरा होगा, वो होगा 8 मेगापिक्सल जो सेंसर के साथ आएगा, पेरिस्कोपिक टेलीफोटिक लेंस के साथ जो 120x जूम करने के काबिल होगा। और जो पंच होल इसका फ्रंट कैमरा है, वो पंच होल कैमरा होने वाला है 20 मेगापिक्सल शूटर के साथ, ताकि आप वीडियोस या फिर जो भी सेल्फीज होंगी आपकी काफी अच्छी फोटोज आएंगी। जो ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे अगर आप न्यू रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।